बागलेन विभाग के हाट पिपलिया के व्यापारी संघ और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा देवगढ़ चौराहे से लेकर तहसील परिसर हाट पिपलिया तक रैली निकालकर मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम तहसीलदार और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन का वाचन करते हुए व्यापारी संघ के अध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया कि नगर में अवैध कारोबार जैसे कि जुआ सट्टा, मोबाइल कैसीनो, अवैध शराब, नशीला पाउडर का कारोबार तेजी से हो रहा है, जिसके चलते नगर के कई युवा इस अवैध कारोबार एवं जहरीले नशीले पदार्थों की गिरफ्त में आ गए हैं, जिसके चलते पिछले कई दिनों अवैध कारोबार की गिरफ्त में आने के कारण नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी प्रशांत अग्रवाल के पुत्र योगेश अग्रवाल द्वारा आत्महत्या का कदम उठाया गया। साथ ही नगर के एक अन्य व्यक्ति की गुमशुदा की रिपोर्ट पिछले 6 महीने पहले थाने में लिखी गई थी, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। सर, आज व्यापारी संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है, कहाँ पे, किसके नाम और क्या मांग है उसको लेकर? ये ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। हमारे नगर के वरिष्ठ व्यवसायी भाई प्रशांत जी अग्रवाल के सुपुत्र एवं हमारे युवा व्यवसायी योगेश अग्रवाल ने जो आत्महत्या की है, उसका कारण एकमात्र कारण रहा कि यहाँ पे ऑनलाइन सट्टा जो चल रहा है, जिसको क्या बोलते हैं चक्रा के माध्यम से जो काफी दिनों से हाट पिपलिया के अंदर चल रहा है, उसके विरोध में आज व्यापारियों ने ज्ञापन दिया। तो प्रशासन से हम मांग करते हैं कि ये पूरी तरह बंद होना चाहिए। हाट पिपलिया सट्टा जुआ और का अड्डा बन रहा है, ये बंद होना चाहिए। कितना दिन का समय दिया आपने? हमने 8 दिन का समय दिया है। 8 दिन के बाद चरणबद्ध आंदोलन पुनः वापस किया जाएगा। आपका नाम? जगदीश यादव, अध्यक्ष व्यापारी संघ हाट पिपलिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।